नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली के आप नेता मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, बोले देश का लोकतंत्र जेल में कैद है। जम्मू कश्मीर में पुलिस सामान्य प्रशासन विभाग में बड़े पैमाने पर हुई फेरबदल। आपको बता दें 200 से ज्यादा अफसरों के हुए तबादले, इनमें 33 सीनियर पुलिस अधिकारी भी शामिल। उत्तराखंड के केदारनाथ में 16 दिन से मलबे में दबे शव को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। 31 जुलाई को बादल फटने के बाद यहां करीब 15,000 लोग फंसे थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 250 गांवों में आई बाढ़। इसरो की EOS 08 सैटेलाइट लॉन्चिंग हुई सफल। सबसे छोटे रॉकेट SSLV से भेजा गया ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। कोलकाता के रेप मर्डर केस के बाद एक बार फिर तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। घटना कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 14 अगस्त रात की बताई गई। अब बात करते हैं विदेशी खबरों की। रूस में यूक्रेनी सेना 35 किलोमीटर अंदर तक हुई दाखिल। सुदजा पर किया कब्जा, 10 दिनों में 82 गांव छीने, 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा। बांग्लादेश ने अमेरिका रूस समेत 7 देशों से राजदूत बुलाए। आपको बता दें पिछली सरकार में हुई थी नियुक्ति, हिंसा की जांच करने ढाका जाएगी यूएन की टीम। पाकिस्तान में मिला मॉन्की पॉक्स का केस, WHO ने एक दिन पहले ही इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इस साल 500 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंचा, 18,00,000 लोग हुए बेघर। इसराइल हमास के बीच 11 महीने से जंग जारी। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 1200 अंकों की रही तेजी, ये 80,300 के पार पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 350 अंक चढ़ा। आईटी शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य में एक चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे, वहीं वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। साथ में ये भी बताते चलें कि मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। दरअसल 1 अक्टूबर को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, पलवल और फरीदाबाद में मतदान होंगे, जिनकी गिनती 4 अक्टूबर को होगी। साथ में आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें फिलहाल भाजपा के पास 40, कांग्रेस के पास 31, जेजेपी के पास 10, INLD के पास 1, हरियाणा लोकहित पार्टी के पास भी 1 और कुल 7 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं 27 अगस्त को वोटिंग लिस्ट फाइनल हो जाएगी। हालांकि नामांकन से पहले कोई भी मतदाता अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जहां हरियाणा में 2,01,000 मतदाता हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत में सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति व हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती देने वाली 2 अलग अलग जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 26 सितंबर तक स्थगित कर दी है। दरअसल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस के तैयार ना होने व इसके लिए समय देने की मांग की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। आपको बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार, विधानसभा सचिव व सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हुआ है। ये भी बताते चले कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति खुद ही कानून के खिलाफ है और हाईकोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है। इसी बीच सीएम ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, जिसमें नियमों को तोड़ा गया। नियमों के अनुसार हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की तय संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री समेत कुल 13 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा में यह संख्या अब 14 हो चुकी है। साथ ही याचिका में सभी मंत्रियों के पदभार संभालने पर रोक लगाने की मांग की गई है। अगली खबर फरीदाबाद से है। दरअसल कोलकाता के IG मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप, उसके बाद मर्डर मामले को लेकर देश भर के रेजिडेंस डॉक्टर हड़ताल पर हैं।
जहां आज फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर ने ओपीडी सेवा बंद कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज सभी डॉक्टर्स ने अपना काम बंद कर दिया, अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए नारेबाजी की। आपको बता दें कि फरीदाबाद में इससे पहले डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के कैंपस से एनआईटी क्षेत्र में कैंडल मार्च भी निकाला था। वहीं बुधवार को एक घंटे की पेन डाउन कर हड़ताल करके अपना रोष जताया। इसके चलते स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से प्रभावित हुई है। आपको ये भी बताते चले कि एनआईटी 3 में स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स ने सभी सेवाएं बंद कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। सभी डॉक्टर्स का कहना है कि पहले महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कोलकाता के डॉक्टर के साथ जो रेप और मर्डर हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल इस दौरान उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर नमन किया और उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। हरियाणा सरकार हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलेगी। सीएम ने कहा कि पिछले दिनों जो बारिश कम हुई है, वर्षा के कारण जो हमारे किसानों के खर्चे बढ़े हैं और उस खर्चे को कम किया गया है। हमने पिछले दिनों फैसला लिया था कि 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देंगे, उसे किसानों के खाते में आज पहली किस्त जारी कर दी गई है, जो 5,20,000 किसानों के खातों में 525 करोड़ की किस्त जारी की गई है। सीएम ने साथ में ये भी कहा कि 1 से 2 दिनों में किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। जिस भी किसान का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर होगा उनके खातों में 2000 प्रति एकड़ पहुंचने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि आज 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक है। इसके अलावा बाकी शेष 8 जिले पंचकुला, कैथल, हिसार, झज्जर, यमुनानगर में भी पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक खोले जाएंगे। साथ ही दूध विक्रेताओं के लिए घोषणा की है कि जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख से कम है उन्हें दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसके तहत विकलांगता या दिव्यांगता की स्थिति में बीमित किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।